का माफी मांगे, अरे माफी की माफी मांगे, ये तो इंटरनेट बोलना दुनिया सुन सकती है, आज दिल्ली लंदन बम्बई अमेरिका के सुन सकते हैं, बैठे हुए हैं स्टेडियम में बैठे हुए हैं, कौन कहाँ बैठा हुआ है, कौन क्या बोल रहा है, सबको मालूम हो सकता दुनिया के अंदर, वो जमाना है। राहुल गांधी वही बोला लंदन में जो यहाँ बोलता था, क्या गलत कर दिया, माफी मांगो करते रहे, इनको पूछो आप बोलने दो हाउस के अंदर, बोलने के बाद में आप कहना भी नहीं है तो माफी मांगो, आपकी बातों में संतुष्ट नहीं कर पाई है, वो भी नहीं चाहिए, उन्होंने हाउस नहीं चलने दिया, बार बार उसका दर्शन कर दिया, ये वो लोग हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको बहुत खतरनाक खेल हुआ है, अभी हमने वहां पर लालघाट में धरना दिया था जय सत्याग्रह के नाम से, और प्रोग्राम बनाया गया जय भारत सत्याग्रह, लंबा चलेगा, एक महीने चलेगा, ये अभी संभाग की शुरुआत हुई है। मैं तमाम नेताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा, सबने इन्वॉल्वमेंट शो किया, आप सब पूरा मेवाड़ के लोग आए हो। अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी का मुझे चाहे रखो नहीं रखो पार्लियामेंट के अंदर, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे पद की कोई चिंता नहीं है, तो देश की आवाज बन के बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा, रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा 20,000 करोड़ रुपए कैसे अडानी जी खाते में कैसे आए, ये पहले किसका, ये पहले अडानी जी का नहीं हो सकता है, किसका पैसा है इसका जवाब दे प्रधानमंत्री जी, अब बताइए जवाब अभी तक नहीं आया। अरे लोकतंत्र में तो आज तक वही कांग्रेस के शासन में भी हर फैसला करते, लोग क्या सोचेंगे, आप क्या सोचोगे, मुख्यमंत्री किसके पे हो गए महाराष्ट्र के अंदर, विलासराव देशमुख का, अजय चव्हाण का इस्तीफा हो गया, बंसल साहब का जो रेल मंत्री थे हमारे इस्तीफा हो गया, अश्विनी कुमार का जो गृह मंत्री थे, आरोप लगे नहीं मीडिया में और इस्तीफा हुआ नहीं, कोई लोग क्या कह रहे, डेमोक्रेसी है भावनाएं कर देते, और ये फिर इस्तीफे की बातें छोड़ो, ये तो हमें तंग कर रहे हैं, हमारे घर में छापे डाल रहे हैं, मेरे को नहीं छोड़ा इन्होंने, आप बताइए चुने हुए मुख्यमंत्री चुन चुन कर गई है महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर सरकारें गिरा दी उन्होंने, ये तो आप सबका आशीर्वाद था, विधायक ने साथ दिया मेरा, इसलिए मैं बच गया, वरना मेरी सजा चल जाती, ये वो लोग हैं सरकारों को एमएलए को खरीद फरोख करके और ट्रेडिंग करके सरकारें बदलते हैं, वो लोग हैं, इनको पकड़ना नहीं है हम लोगों को, ये आएंगे बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आएंगे, सामने कमी नहीं के बाद में भयंकर भ्रष्टाचार वाले देश के में हो रहा है, चंदा एक तरफ इकट्ठा कर रहे लोग, और किसी पार्टी को चंदा जाना नहीं चाहिए, देने वालों को पहले अरेस्ट कर रहे, लोकतंत्र है, लोकतंत्र इस प्रकार बचेगा देश के अंदर, इलेक्ट्रोल बोर्ड निकाल दिए, एक तरफ चंदा जा रहा है, कहने को बहुत सारी बातें, इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो है वक्त बहुत नाजुक वक्त है देश के लिए, हम लोगों को हमारी नीति हमारे कार्यक्रम हमारे सिद्धांत कांग्रेस के कोई मुकाबला नहीं होता देश के अंदर, और इसलिए उसको बचाना हम लोगों को है, पर्दाफाश करना है, और जवाब मांगना अडानी जी का पहला किसका पैसा आपकी सलाह को जवाब देते बनने का है, लोकतंत्र हमेशा आरोप लगभग किसी पे भी जवाब देते हमने देखा है, पहली बार आजादी के बाद में जवाब दे नहीं रहे हैं, चाहे कितने ही लोग आरोप लगा दो लोकसभा के अंदर या बाहर, इनको कोई मतलब नहीं, इससे ये हम घमंड में चल रहे हैं, जनता ने किसी को नहीं बख्शा, उनका आया कानों का खबर लगने दी थी और सरकार बदल गई थी पहले भी, इनका अहम घमंड काम नहीं आएगा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आप लोग जो मेवाड़ के आए हो, मेवाड़ में पिछली बार हम लोग कामयाब नहीं हो पाए थे, कोई वक्त आता है कई गलतफहमी हो जाती है कि कारण रहते हैं, तो हमें तो देश को आजाद करवाने में भूमिका थी कांग्रेस की, लोकतंत्र देश को हमने दिया, कांग्रेस ने दिया,
चुनाव हारे जीते हमारे सिद्धांत हमारी नीति हमारे कार्यक्रम कायम रहेंगे। देश हित के अंदर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले लोग हैं, इसलिए चुनाव में हार जीत घबराते नहीं हम। दो बार चुनाव जीत गए लोग, आगे मालूम पड़ेगा 2024 के अंदर क्या होता है। चुनाव पहले राजस्थान का भी आ रहा है, राजस्थान फिर करूँगा देश में लोग जो बचाने के लिए राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, चुनाव जीतेंगे तब इनका अहम घमन टूटेगा। जो चुनाव बहुत जरूरी लोकतंत्र के लिए ये बहुत आह्वान करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सभी भाई खड़े हो जाए राष्ट्रगान के लिए। वह राष्ट्रगान होगा सभी भाई जी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा आपने शुक्रवार को राजस्थान में जो ये चीजें थी उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप जीवन भी वो हो सेवा दल के साथियों से निवेदन करूंगा राष्ट्रगान शुरू करें। प्रत्याशियों ने सब लोगों ने खूब मेहनत की है। आपने शानदार जो पत्ते दिखा रहे उसके लिए भी मैं बहुत बहुत